During a serve, a tennis racket exerts an average force of 250 Newton on 60 gram tennis ball, initially at rest. For 5 milliseconds, the ball kinetic energy afterward is. Once again, इधर आंसर गलत दिया हुआ है, मैं करने का तरीका बता देता हूं. ड्यूरिंग अ सर्व, एक टेनिस रैकेट से एक बॉल है, उसको सर्व करा जा रहा है. बॉल रेस्ट पर है, इस तरह से हम सर्व करते हैं. और एवरेज फोर्स, फोर्स एग्जर्टेड इज 250 न्यूटन, मास ऑफ टेनिस बॉल इज 60 ग्राम, और इनिशियली एट रेस्ट फॉर डेल्टा टी इज 5 into 10 to the power minus 3 seconds और final kinetic energy पूछिए. अब देखिए, सबसे पहले force newton में दे रखा है, mass gram में, इसको convert कर लेते हैं, 0.060 kg, initial velocity 0. अब initial momentum is m into initial velocity, that is 0. Final momentum, that is m into final velocity. Change in momentum is final momentum minus initial momentum, that is nv minus 0. Force is change in momentum upon the time taken. Force ki jagah 250 न्यूटन, चेंज इन मोमेंटम की जगह mv माइनस 0 अपॉन डेल्टा टी, मास की जगह लिखूं 0.060, वेलोसिटी मुझे फाइनली चाहिए, टाइम टेकन इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. इससे मुझे फाइनल वेलोसिटी, जो कि मैंने सब कुछ एसआई सिस्टम में सब्स्टिट्यूट करा है, इसलिए वेलोसिटी भी एसआई सिस्टम में मीटर्स पर सेकंड में आ जाएगी. This would give me the velocity, and it's 60, 250 into 5 by 60 is what? 10 to power minus 3, 10 to power minus 3, 5, 60. So this comes out to be 125 by 6, it seems, meters per second. Am I correct? I hope there is no mistake. Now, what is ball's final kinetic energy? Now, final kinetic energy would be half mv square. Half m ki jagah pa 0.060, v square ki jagah 125 by 6 whole square. This much joules. This is the final kinetic energy of ball. Unka answer shayad galat de rakha, but this is a perfect solution. Dhyan se dekhiye. That's 27th problem. Then, fifth, a 7th problem I saw. केजी राइफल एंड 7 kg राइफल. देखिए, दो अलग अलग राइफल है, एक का मास है 5 kg, एक का मास है 7 kg. फायर आइडेंटिकल बुलेट, दोनों आइडेंटिकल बुलेट फायर करती है. इस तरह से कोई गन है और वह आइडेंटिकल बुलेट फायर कर रही है विद सेम मजल वेलोसिटी. मास ऑफ बुलेट इज सेम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज सेम. Compare recoil momentum and the recoil velocity of the two rifles. Now, this is a very interesting problem. Aur is interesting problem se kuch samajhne ki bhi aavashyakta hai. Jo conclusion hai, wo yaha hai.
कि जो भारी राइफल होती है वह अच्छी क्वालिटी की होती है, उससे रिकॉइल कम होता है, उससे चोट लगने की संभावनाएं कम होती है, जबकि जो हल्की राइफल होती है उसका रिकॉइल ज्यादा होता है, उससे चोट लग सकती है। सबसे पहली बात, इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, इनिशियल मोमेंटम इज जीरो, क्योंकि फायर करने से पहले बुलेट भी रेस्ट पर, राइफल भी रेस्ट पर, पूरा सिस्टम रेस्ट पर, इसलिए इनिशियल मोमेंटम जीरो। फाइनल मोमेंटम भी जीरो रहना चाहिए, फाइनली बुलेट इस डायरेक्शन में जाती है तो राइफल अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। मैं मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ राइफल, इन दोनों का सम जीरो कहता। मैं कहता हूं चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ राइफल, रिकॉइल मोमेंटम ऑफ राइफल इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट विथ नेगेटिव साइन। चेंज इन मोमेंटम ऑफ राइफल इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब है कि यदि बुलेट इस तरफ जाती है, बुलेट का मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो राइफल का मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में, राइफल की रिकॉइल वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, इसीलिए हम इसको रिकॉइल मोमेंटम कहते हैं। हम यह भी लिख सकते हैं रिकॉइल मोमेंटम ऑफ राइफल वुड बी मोमेंटम ऑफ बुलेट। जब रिकॉइल शब्द लिख दिया तो माइनस साइन मत लिखो, क्योंकि रिकॉइल शब्द का ही मतलब होता है नेगेटिव डायरेक्शन में। अब फॉर बोथ राइफल बुलेट आर आइडेंटिकल, मास ऑफ बुलेट इज सेम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज सेम, बजल वेलोसिटी भी सेम है। सो फॉर बोथ राइफल चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट इज सेम, क्योंकि दोनों राइफल सेम बुलेट इस्तेमाल कर रही हैं और सेम वेलोसिटी से फायर कर रही हैं, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट जो होएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट जो होएगा वह एम वी होएगा, सेम बोथ फॉर बोथ राइफल चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट सेम। हेंस रिकॉइल मोमेंटम वुड रिमेन सेम, रिकॉइल मोमेंटम फॉर बोथ राइफल इज सेम, दिस इज द रीजन चेंज इन मोमेंटम ऑफ राइफल इज माइनस ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट। अब पहली राइफल के लिए मैं कहूंगा रिकॉइल मोमेंटम M1V1, दूसरी के लिए M2V2। So, M1 upon M2 is equal to V2 upon V1. This is the recoil velocity, 5 by 7. V2 by V1 is 5 by 7.
V2 कम होएगा, V1 ज्यादा होएगा। भारी राइफल की रिकॉइल वेलोसिटी कम है, हल्की राइफल की रिकॉइल वेलोसिटी ज्यादा है। भारी राइफल लोगे तो पीछे कम आएगी या कम वेलोसिटी से आएगी, हल्की राइफल ली तो पीछे ज्यादा वेलोसिटी से आएगी तो आपको चोट ज्यादा लगेगी। इसलिए हम कहते हैं भारी राइफल ली जाए, भारी राइफल से फायर करा जाए तो रिकॉइल कम होएगा, स्वयं को चोट लगने की संभावनाएं कम होगी। और यदि हल्की राइफल ली, हल्की राइफल से फायर कर रहे हो तो रिकॉइल ज्यादा होने की वजह से आपको स्वयं को उस राइफल के रिकॉइल से चोट लगने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। 26th प्रॉब्लम करूंगा आप। सिक्सटी ग्राम टेनिस बॉल मूविंग एट 8 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स स्टेशनरी टेनिस रैकेट परपेंडिकुलर एंड बाउंसेस ऑफ एट द इंपल्स गिवन टू रैकेट। देखिए 60 ग्राम टेनिस बॉल मूविंग एट 8 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी रैकेट, यह स्टेशनरी रैकेट एंड बाउंसेस ऑफ, फिर टकरा के लौटती है विथ 6 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज इंपल्स गिवन टू रैकेट, रैकेट को कितना इंपल्स दी जाएगी। अब देखिए मास है 60 ग्राम और 0.060 केजी, इनिशियल वेलोसिटी इज प्लस 8 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी इज माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में लिखी, फाइनल वो रिबाउंड हो रही है इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए हम इनिशियल मोमेंटम लिख देंगे बॉल का m इंटू वी आई 0.060 इंटू 8 केजी मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम लिख देंगे m इंटू फाइनल माइनस 0.060 इंटू 6 केजी मीटर पर सेकेंड। यह हमने बॉल का इनिशियल मोमेंटम लिखा, फाइनल मोमेंटम लिखा। अब हम चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल लिख देते, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल इज फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल के लिए माइनस 0.060 इंटू 6, इनिशियल के लिए प्लस 0.060 इंटू 8, दस मच केजी मीटर पर सेकेंड। तो दिस चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, फाइनल जो कि नेगेटिव है माइनस इनिशियल जो कि पॉजिटिव है। अब हम कहते हैं इस पूरे सिस्टम पर बॉल और रैकेट टेकन एज ए सिंगल सिस्टम एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, हेंस ओवरऑल चेंज इन मोमेंटम मस्ट बी जीरो। चेंज इन मोमेंटम दो क्यों हो रहा है, एक तो चेंज इन मोमेंटम बॉल का हो रहा है और दूसरा चेंज इन मोमेंटम रैकेट का हो रहा है।
the net change in momentum must be zero. Change in momentum of racket must be minus of change in momentum of ball. Change in momentum of ball is minus 0.060 into 6 plus 8 kg meter per second, or minus 0.060 into 14 kg meter per second. So change in momentum of racket ho jayega minus idhar hai, idhar minus, plus ho jayega. Plus 0.060 into 14 kg meter per second. Unne jo pucha hai, what is impulse given to racket? Impulse is change in momentum. Impulse on racket is change in momentum of racket. Maine samjhaya hai, impulse is change in momentum due to thrust. Ball jab racket se takraegi to ek bahut chote se samay ke liye finite force lagayegi. Ball ke dwara bahut chote se samay ke liye jo finite force racket par lag raha hai use hum thrust kehte hain. Us thrust ki wajah se racket ka momentum change hoga. Us thrust ki wajah se racket ka jo bhi kuch momentum change hota hai usi ko hum racket kehte hain. Usi ko impulse kehte hain. Impulse on racket is change in momentum of racket due to thrust. Aur wahan humne nikal liya hai 0.060 into 14 kg meter per second. This is the final answer. Eleventh problem karenge. A 40 kg skater traveling at 40 kg skater traveling at 4 meter per second over is takes 60 kg skater. This is 60 kg skater traveling at 2 meter per second. 2 meter per second in the same direction and collides with her. If the two skater remains in contact, what is their final velocity and how much kinetic energy is lost? 40 kg skater hai. और 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रैवल करता है या 60 केजी स्केटर से टकराता है जो कि सेम डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही थी और उससे जाके टकरा जाता है, चिपक जाता है. कोलाइड विद हर. इफ द टू स्केटर रिमेन इन कांटेक्ट, हर है तो कांटेक्ट में रहना. If the two skater remain in contact, what is the final velocity? अब देखिए, once again momentum conservation simply. हम कह रहे हैं, m1 v1 is momentum of body 1, m2 v2 is momentum of body 2. There is total momentum before they collide,
there is total momentum before they collide. अब ये दोनों collide करते हैं और collide करने के बाद जब चिपक जाते हैं तो इनका mass हो जाता है m1 plus m2 और velocity हो जाता है v. Momentum after they collide, momentum before they collide must be equal to momentum after they collide. Before collision और after collision दोनों का momentum same होना चाहिए. 40 into 4 plus 60 into 2 is equal to 40 plus 60 into v. So v is 160 plus 120 400 2.8. अब इसके बाद उन्होंने पूछा है हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज डेल्टा के ई. दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी. सो लॉस in kinetic energy is initial kinetic energy half m1 v1 square plus half m2 v2 square. This is initial kinetic energy minus half m1 plus m2 into v square. So isko main likh deta hu half m1 ki jagah par 40 into 4 square plus half m2 ki jagah par 60 into 2 square minus half m1 plus m2 की जगह 100 into v square की जगह पर this much joules. This is the loss in kinetic energy. Let's start reading third problem. A certain DC 9 airplane have got this mass. Mass is 50,000 kg and cruising velocity is 700 km per hour. If engine develops a total thrust of, engine develops a total thrust of 7000 Newton, and if air resistance, change in altitude and fuel consumption is ignored, how long does it take airplane to reach its cruising velocity start from rest? देखिए सबसे पहले एयर रेजिस्टेंस इग्नोर करना है और इनफैक्ट एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करने का तरीका भी हम जानते भी नहीं है. चेंज इन एल्टीट्यूड जो वह ऊपर जा रहा है ऊपर उठ रहा है वो भी इग्नोर करना है और फ्यूल कंजप्शन और उसकी वजह से मास का कम होना वह भी इग्नोर करना है. ये सारी चीजें इग्नोर करना है और उन्हें कह रखा है कि इतना थ्रस्ट डेवलप हो रहा है रॉकेट के द्वारा, मतलब रॉकेट अपनी वेलोसिटी बढ़ाने के लिए इतना फोर्स डेवलप कर ले रहा है आगे बढ़ने के लिए. किस तरह से कैसे ये भी नहीं सोचना है. दिस थ्रस्ट इज इन फैक्ट एक्सटर्नल फोर्स जो रॉकेट किसी तरह से डेवलप कर रहा है, अपने मास वेरिएशन से डेवलप करता है. वैसे अब कितने समय में उसकी वेलोसिटी जीरो से 700 हो जाएगी. 700 किलोमीटर पर आवर को इसी समय हम मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं इनटू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड. अब टाइम निकालना है, फोर समय दे रखा है. अब इस फोर्स की वजह से एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एम डीवी बाय डीटी प्लस यू रिलेटिव डीएम बाय डीटी. और हमें यह दे रखा है कि यह एक्सटर्नल फोर्स प्लस यू रिलेटिव डीएम बाय डीटी दिस इज थ्रस्ट जो रॉकेट डेवलप कर रहा है
and this is m into dv by dt, or this is m into acceleration. यह जो थ्रस्ट दे रखा है 70,000 न्यूटन, दिस इज इक्वल टू मास विच इज 50,000 केजी इनटू एक्सीलरेशन. तो यह जो एक्सीलरेशन हो जाएगा 7/5 मीटर पर सेकेंड. अब this is the final velocity, v equal to u plus at. Final velocity हमें दे रखी है 700 into 5/18. Initial velocity zero, acceleration हमने निकाल लिया 7/5, time हमें निकालना. Time comes out to be 700 into 5/18 into 5/7. So this comes out to be 2500/18 seconds. इतने समय में वह अपनी peak velocity touch कर लेगा. अब 18th problem करते. Empty dump truck is coasting with its engine off along a level road with rain when rain starts to fall. Neglecting friction, what happens to the velocity of truck? देखिए, एक खाली कचरे का ट्रक है, empty dump truck. खाली है, कचरे का ट्रक है, उसका इंजन बंद है और वह लेवल रोड पर कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है. एमटी मतलब खाली, डंप ट्रक मतलब कचरे का ट्रक, जो कचरा भरने वाली गाड़ियां होती है कि नहीं. इंजन ऑफ है उसका, इंजन बंद पड़ा है, मतलब कोई उस पर थ्रस्ट व्रस्ट नहीं लग रहा है, वो आगे बढ़ने की स्वयं से कोई कोशिश नहीं कर रहा है, कोई फोर्स जनरेट नहीं हो रहा है उसके अंदर, कोई थ्रस्ट जनरेट नहीं हो रहा है. इसका मतलब वह लेवल रोड पर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता चला जाएगा. लेवल रोड पर उस ट्रक की कांस्टेंट वेलोसिटी होगी. नाउ रेन स्टार्ट्स टू फॉल, उस पर बारिश होने लगती है, उस पर बारिश होने लगती है. अब फ्रिक्शन को निग्लेक्ट करो, व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी ऑफ ट्रक. क्योंकि बारिश होने लगेगी, उसका मास बढ़ने लगेगा, मास बढ़ने की वजह से उसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी, उसकी वेलोसिटी कम होने लगेगी बारिश की वजह से. उसमें पानी जो ऐड हो रहा है, तो पानी के ऐड होते जाने से वो पानी जो ऐड होएगा वो जीरो वेलोसिटी से ऐड होएगा. तो इस वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पानी का कोई मोमेंटम नहीं होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी. द रेन स्टॉप्स, अब रेन बंद हो जाती है, एंड कलेक्टेड वाटर लीक्स आउट. बारिश बंद हो जाने के बाद जो उसके अंदर पानी इकट्ठा हो गया वो अब धीरे धीरे छेद से गिरने लगता है. व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी ऑफ ट्रक नाउ. अब खास बात, बारिश बंद हो जाने के बाद उस ट्रक से जब पानी लीक होएगा, तो लीक होता हुआ पानी अपने साथ में उतना ही मोमेंटम लेकर जाएगा जितना उस ट्रक के अंदर था. इस वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, कांस्टेंट वही की वही वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम डीवी बाय डीटी प्लस यू रिलेटिव डीएम बाय डीटी. अब जब ट्रक से बारिश बंद हो गई, ट्रक से पानी लीक हो रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो अभी भी जीरो है, फ्रिक्शनलेस रोड है. एम डीवी बाय डीटी प्लस यू रिलेटिव, जो पानी लीक हो रहा है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो ही रहती है, ट्रक के रेस्पेक्ट में वह रेस्ट पर ही रहता है. तो एम डीवी बाय डीटी
remains zero, acceleration remains zero. मतलब उस ट्रक का न तो वेलोसिटी बढ़ेगी न घटेगी. मतलब बारिश के दौरान ट्रक की वेलोसिटी कम होती जाएगी और बारिश बंद होने के बाद जब उसमें से पानी लीक करेगा तो उसकी वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ता जाएगा. पानी के लीक होने से वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यू रिलेटिव उसका जीरो होता है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो पहले से ही है. अब 25th, यह हुआ 18th का बी पार्ट. ए पार्ट में हमने बताया कि मास बढ़ रहा है, मोमेंटम कांस्टेंट है, इसलिए वेलोसिटी कम होगी. अब 25th, 60 kg स्केटर पुश 50 kg स्केटर हु मूव्स अवे एट 2 m/s. एज अ रिजल्ट द फर्स्ट स्केटर मूव्स बैकवर्ड. हाँ, इसका आंसर गलत दे रखा है. जो सही आंसर है, यह 60 kg स्केटर है और यह 50 kg स्केटर है. यह 60 kg और यह 50 kg. 60 kg स्केटर पुशेस 50 kg स्केटर हु मूव्स अवे एट 2 m/s. यह एज पर लैंग्वेज दिस 50 kg स्केटर मूव्स अवे विथ वेलोसिटी 2 m/s. एज अ रिजल्ट दिस वुड मूव विथ वॉट वेलोसिटी. तो हम कहेंगे m1v1 प्लस m2v2 मस्ट बी जीरो और m1v1 मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ m2v2. सो 60 × v इज माइनस ऑफ 50 × 2 और v इज इक्वल टू 10/6 माइनस साइन m/s. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि वहां अपोजिट साइड में मूव करने लगेगा, इस वेलोसिटी से मूव करने लगेगा. That's all regarding the discussion of DPS-1. आज मैंने DPS-1 यह शीट डिस्कस करा दी. कुल मिला के इसमें 27 सवाल थे, हमने क्लास में 10-11 सवाल डिस्कस कर दिए. अब मैं मेरे अगले लेक्चर में DPS-2 यह शीट डिस्कस करूंगा. इसमें 26 सवाल हैं, जितने भी आप डाउट्स पूछोगे सारे सारे डिस्कस करता जाऊंगा. तेजी से इन शीट्स को सॉल्व करते रहो. हर एक लेक्चर में मैं एक एक शीट डिस्कस करवाता जाऊंगा. पहले 1, 2, 3, 4, 5 और जैसा मैंने कहा है कि इसके अंदर 6, 7, 8 भी दूंगा, पर पहले